Don't forget to subscribe to our channel. Press the bell icon, like, comment, share this video. जी, अब हम गोला कबाब का जो स्पाइस है उसका तरीका बताऊंगी। ज़ीरा इसमें एक चाय का चम्मच, एक स्टिक दालचीनी की और काली मिर्च इसमें एक टेबलस्पून, एक खाने का चम्मच, दो ये पिपली कहते हैं इसको, ये आराम से मार्केट से मिल जाती हैं, दो ये इसमें डंडियां डालनी हैं आपने, स्टिक्स हैं ये डालनी हैं, और ये कबाब चीनी है ये भी आपने एक चाय का चम्मच डालनी है, ये भी मिल जाती है मार्केट से, और जायफल है ये आपने तीन चुटकियां डालनी है इसके अंदर, जवत्री है जवत्री भी आपने इसके अंदर तीन चुटकियां डालनी है, थोड़ी थोड़ी सी इसमें शामिल होंगी ये क्योंकि तेज़ होती हैं। जी ये है खुश जिंजर पाउडर, अदरक पाउडर है ये आपने इसमें शामिल करना है, और इसके अंदर हम डाल देंगे बादियान फूल और करियंडर डालेंगे, खुश धनिया जो होता है साबुत धनिया ये, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से, आपने इसको ग्राइंड करना है। ये देखें ये मैंने पेस्ट फॉर्म में बना ली है, सॉरी पाउडर फॉर्म में बना ली है, और ये इस तरह से आप इसको रख दें स्टेप टू। आधा किलो के करीब ये कीमा है बीफ का, इसके अंदर अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे एक खाने का चम्मच, दही इसमें शामिल करेंगे एक चाय का चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होना, और ये जो मैंने स्पाइस बनाया है गोला का कबाब का ये डेढ़ खाने के चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि यही मेन इसका इंग्रेडिएंट्स है तो इसलिए इसको आपने इतना डालना है। जी लेमन हम डालेंगे हाफ, अच्छी तरह से इसका हम रस इसके अंदर डाल देते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है इसका रस, ये इसमें शामिल कर दें, और ये जो बेसन है ये दो खाने के चम्मच इसमें डालना है आपने ज़रूर, और लाल मिर्च पाउडर भी एक चाय का चम्मच डालना है, और ब्लैक पेपर भी जो है वो भी आपने एक चाय का चम्मच डालना है। इस पेस्ट को चॉपर में चॉप कर लें या अब इसको कीमे की मशीन में अच्छी तरह से निकाल लें, मैं कीमे की मशीन में इसको कर लूँगी। जी मैंने कर लिया, अब इसमें मैं सब्ज़ धनिया शामिल करूँगी, इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से आप इसको कर लें। जी अब ये देखें ऑयल मैंने रख लिया है, और ये दो तरह की मैं आपको स्टेप बता रही हूँ, एक बारबेक्यू स्टिक है और एक जो है वो सॉरी स्प्रो है, हाथ में आप इसको लगा लें इस तरह से, और आपने जितना आप साइज़ रखना चाहते हैं इसका बड़ा साइज़ ही होता है, तो इसको आपने अच्छी तरह से पहले इसको ये देखें तरीके को दबाना है आपने अच्छी तरह से इसको, फिर उसके बाद इसको गुलाई में आपने शेप में ले कर आना है अच्छी तरह से, गुलाई की जैसे कोफ्तों की शेप होती है सेम वैसी है, तो इस तरह से आपने इसको शेप लेनी है, और उसके बाद हम जो ये देखें ये बन गया, अब हम बारबेक्यू की स्टिक से आराम से इसको इसके अंदर से गुजारेंगे, और गुजारने के बाद अब ये देखें और इस तरह से आप इसको रख दें। इसी तरह मैं आपको स्प्रो का भी तरीका बताऊँगी, वो भी यही तरीका है, हाथ में पहले हल्का सा घी लगा लें या ऑयल लगा लें, और आप इसको अच्छी तरह से पहले दबाएं, फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से आप इसको रोल करें और इसको ठीक है ये देखें इस तरह से, और इसके बाद आप जब आप देखें कि ये बन गया है पूरा गोला कबाब, तो आप इसको अब स्ट्रॉ जो है मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इसके बाद स्ट्रॉ किस तरह हम करेंगे, तो इस तरह से आप लेंगे स्ट्रॉ और इसमें से आप इसको क्रॉस करेंगे, और ये देखें इस तरह से, अब आप इसको यहीं से शेप देंगे, थोड़ी सी गुलाई में नहीं होती है, थोड़ी सी
गुलाई और लंबाई के साथ होती है शेप इसकी, तो एक्स्ट्रा इसमें से हम इसमें कीमे में शामिल कर देंगे और इसको हम आराम से निकाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये बन गया। इस तरह से आप सारे बना लें, बेशक बारबेक्यू स्टिक से बना लें, बेशक आप स्ट्रो की मदद से बना लें, जिसमें आपको जो इजी लगे। ये देखें इस तरह से ही आप इसको बनाकर और स्टिक की मदद से आप इसको निकाल लें, यही तरीका है। और आपने इसी तरह से सारे बना लेने हैं कंप्लीट। ये देखें मैंने सब तैयार कर ली हैं। अब इसको फ्राई करते हैं पैन में, हम इसको शामिल कर देते हैं सारे गोल कबाब को और ऑयल इसमें शामिल करते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें बारबेक्यू का टेस्ट देने के लिए आप जब फ्राई करने से पहले ही आप इसको कोयले की स्मोक दे दें ढक्कन बंद करके, और वो भी आप चीज़ कर सकते हैं। और आप इस तरह से भी डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे। अगर आप बारबेक्यू का स्मोक देना चाहते हैं तो आप इसके साथ ढक के कच्चे कीमे को कर दें। ये अब इसको फ्राई करना शुरू कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और ये अब हमने ये डाले हैं तो ये खुद ब खुद थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, तो हमने इसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है और इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर देना है चारों तरफ से, ताकि ये अच्छी तरह पक भी जाए। जी अब हमारे ये देखें गोला कबाब तैयार हैं, और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।